बाबा पे थ्रेड्स आ रहे हैं अभी फिलहाल। सुबह सुबह मैं सिद्धि विनायक माँ लक्ष्मी हजी अली वहाँ जाके आई हूँ, प्रार्थना करके आई हूँ, सब कुशल मंगल रहे। ले प्रसाद। आपका रोज का नया ड्रामा, कभी ये ढकने का ड्रामा, कभी रोने का ड्रामा, कभी कुछ कभी कुछ। आपकी कुणाल सर का दिल ना पिघल के दरिया नहीं बनेगा जिसमें आप गोते लगा सको। तो फोन पानी में हाथ डाल के निकाल दो। और मैं दोनों को भी वॉर्न करती हूँ एंड थोड़ी अलगा शिवम को मायके से वापस ले आओ, घर सुना सुना लगता है उसके बिना, बहुत याद आ रही है उसकी। तो शिवम सगाई से सवाई करो, उसके बिना जीने की आदत डाल लो आप सबके लिए। वैभव और मेरी फर्स्ट मंथ लव एनिवर्सरी, आज ही के दिन उसने मुझे पहली बार प्रपोज किया था, तो आई विल वेट, इंतजार भी मत करना। बहुत गलत एलिगेशंस लगा है। उनका कहना है कि मैं उनकी प्रॉपर्टी। लंगर नहीं लगा रखा है, जिसे बाहर खाना है बाहर का है, जिसे घर में खाना है खुद अपने हाथों से बनाए और खा ले। ये सीटी है, जरूरत पड़ी तो इसे। काफी गुस्से में नजर आ रही है और काफी कंसर्न दिखाती हुई नजर आ रही है फैमिली के लिए, क्या कहेंगी, क्या हो रहा है। फिलहाल तो बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में आ गई है। बाबा पे थ्रेट्स आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, बाबा को किसी ने मारने की कोशिश की है और तारा भी मुझसे दूर हो गई है। तो वंदना बहुत ज़्यादा परेशान है एंड साथ ही साथ मेरी बहन और मेरी भाभी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से ये दोनों तो नहीं हो सकते, बिकॉज आई कॉन्ट ट्रस्ट एनीबडी इस वक्त। ना मैं वैभव पे ट्रस्ट करती हूँ, ना मैं अपने भाई पे, ना भाभी पे और ना ही अपनी बहन पे। सो मुझे कहीं ना कहीं शक इन दोनों पे आ रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप माई फैमिली सेफ, जहाँ अभी मेरी फैमिली में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बाबा और मेरी आत्या, तो इन दोनों को सेफ करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। इट्स जस्ट मेरी कोशिश है कि मेरे बाबा को कुछ भी ना, मतलब ज़रा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, तो मेरी बस यही कोशिश है। और मैं दोनों को भी वॉर्न करती हूँ एंड थोड़ी भड़ास है अंदर, गुस्सा हो तो या मैंने गुस्सा कर दिया अभी फ़िलहाल, बट ऑब्वियसली कल को जब वो अच्छे बिहेव करने लगेंगे तब मैं ज़रूर उन्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। पता नहीं, कह नहीं सकती मैं, बिकॉज मुझे लगता है इन चारों में से कोई एक होगा ज़रूर, या क्या पता ये चारों भी ना हो, कोई और ही इंसान है जो शायद हमारे फैमिली से ना जुड़ा हो, कुछ नहीं बता सकते। शायद सोनिया हो सकती है या उनका कोई और मोटिव हो सकता है, बिकॉज उनकी बच्ची मेरे साथ मेरे से जुड़ी है। कुछ नहीं कह सकती, मुझे भी नहीं पता कि कौन है, क्यों कर रहा है, और मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश क्यों करेगा कोई। मतलब बाबा ने किसका क्या बिगाड़ा है, किसी को प्रॉब्लम हो मुझसे डील कर ले, बाबा से क्यों। सो मैं खुद परेशान हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी मुझे पता चल जाएगा। मैं पता तो लगा के रहूँगी कि कौन ये हरकत कर रहा है। कुणाल का भी जिक्र होता है, बड़ा गुस्सा आ जाता है। या बिकॉज कुणाल की और मेरी रिसेंट फाइट हो गई है, जहाँ कुणाल ने मुझ पर बहुत गलत एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना है कि मैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए तारा को बहाना बना के उन तक जुड़ना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही हूँ, विच इज़ नॉट फेयर। बिकॉज मुझे नहीं लगता, मतलब आप व्यूअर्स को भी पता होगा कि वंदना ऐसी लड़की है ही नहीं, ऐसी औरत है ही नहीं। उसके लिए एक जेन्युइन फीलिंग, एक वाइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है वो दिल से तारा को चाहती है, वो दिल से तारा से कनेक्ट करती है, उसके कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। सो ऑब्वियसली वंदना हैज़ हर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी होती है, कोई ईगो नहीं है, इट्स जस्ट फॉर हर सेल्फ रिस्पेक्ट कि नो बॉस, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट वंदना, दिस इज़ नॉट मी, एंड आप गलत हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुणाल जो भी बोल रहे हैं वो उनके साइड से भी सही है, बिकॉज या उनकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और शायद वो भी अपनी जगह सही है, ओवर थिंक कर रहे हैं, बट कोई नहीं, मुझे लगता है बाई द टाइम चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी।